आप लोग वेलकम टू सीए तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस टैक्स, जो काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और सीए इंटर में इस चैप्टर से आने की 100% चांस होती है। एमसीक्यू में आया तो एमसीक्यू में आने की तो 100% चांस रहेगी ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस टैक्स। ठीक, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के अंदर छः ही टॉपिक पढ़ना है, टोटल छः टॉपिक पढ़ना है। ठीक, एक टॉपिक वन में हो जाएगा हु इज लायबल टू एडवांस टैक्स। इसका सेक्शन है 207। ये एमसीक्यू में आने की 100% चांस होती है। ठीक, कौन कौन सा पर्सन एडवांस टैक्स के लिए लायबल होता है, हुज इनकम, हुज एस्टिमेट। जैसे मैं एनी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और मोर। ठीक, और पर्सन शोइंग प्रिजम्प्टिव इनकम, अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA, 44AD और 44ADA, 44AD था पहले, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 से 44ADO को भी ये एडवांस टैक्स के अंदर जो लायबल होता है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, 44AD में क्या होता है, या अदर के लिए, अदर के लिए जैसे मैं 8% छोड़ दे प्रिजम्प्टिव इनकम, और 44AD प्रोफेशनल वालों के लिए है जो 50 लाख पे 5% जो होता है। कौन सा पर्सन एडवांस टैक्स के लिए लायबल नहीं होता है, हु इज नॉट लायबल टू एडवांस टैक्स, हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट एक्सीड 10,000, और सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग PGBP। इसके बाद ड्यू डेट क्या होना चाहिए, एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या होना चाहिए, सेक्शन 211 में है, सेक्शन याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद ड्यू डेट क्या होना है, शोइंग प्रिजम्प्टिव इनकम, जिसका प्रिजम्प्टिव इनकम शो हो रहा है उसका जो 44AD और 44ADA। ठीक, और जो उसका प्रिजम्प्टिव इनकम शो नहीं हो रहा है, ठीक, जिसका प्रिजम्प्टिव इनकम शो हो रहा है अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA, 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, और 15 मार्च इसका ड्यू डेट है ऑफ प्रीवियस ईयर, और जिसका नॉट शोइंग प्रिजम्प्टिव इनकम हो रहा है तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च क्वार्टर में चलेगा, क्वार्टरली चलेगा। 15 जून का 15%, 15 सितंबर का 45%, 15 दिसंबर का 75% और 15 मार्च का 100%। एडवांस टैक्स, जैसे मैं एडवांस टैक्स हम लोग पे करते हैं, जैसे 15 मार्च तक का 100%, आप 15 मार्च के बाद 31 अप्रैल और 31 मार्च से पहले और बीच का जो एडवांस जो इनकम रहेगा उस पर भी तो एडवांस टैक्स पे करना होगा। इस कौन क्वार्टर में हम लोग एडवांस टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। इसको इसमें 15 मार्च में ही इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इज ऑल्सो काउंटिंग वाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम को काउंट कर लेंगे जब एडवांस टैक्स का कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक, इफ ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इट इज होलीडे, छुट्टी का दिन, या बैंक इज क्लोज्ड, बैंक बंद रहेगा, तो किस दिन हम एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो इंडिया में हमेशा बाद में ही होता है, पहले तो होता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वर्किंग डे को हम एडवांस टैक्स पेमेंट कर देंगे। ठीक, इसके बाद एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी सेक्शन 209 ही याद रखिएगा, सेक्शन कितना ही है एमसीक्यू में पूछ सकता है। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का सेक्शन, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का सेक्शन 209 है। और एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी जितना रहेगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या रट मत से आर फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और 90। ठीक, 90 DTAA। ठीक, इसके बाद ए से एडवांस टैक्स पे, टी से TDS और TCS, MAT AMT, इसको माइनस कर देंगे तो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा। एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैजुअल इनकम और कैपिटल इनकम, एडवांस टैक्स
जी हाँ दोस्तों, एडवांस टैक्स तो हम लोग निकालते ही टोटल टोटल हेड पे निकालते हैं, और एडवांस टैक्स कैपिटल इनकम और कैजुअल इनकम में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी हाँ दोस्तों, निकलेगा। इस पे भी एडवांस टैक्स को पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैजुअल और कैपिटल इनकम, एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ इनकम, ऑल टाइप ऑफ इनकम इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड किया गया है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। बट दिस इनकम आर नॉट सर्टेन, लेकिन ये इनकम सर सर्टेन नहीं होता है। हेंस एडवांस टैक्स पे ऑन द नेक्स्ट ड्यू डेट वाइल व्हेन दिस इनकम अराइजेज। जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया 15 जून, सेकेंड क्वार्टर हो गया 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया 15 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर हो गया 15 मार्च। अगर थर्ड क्वार्टर 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स मिला है, 15 दिसंबर के बाद हुआ है, तो इसको काउंट कर लेंगे 15 मार्च को जो क्वार्टर है इसमें काउंट कर लेंगे एडवांस टैक्स। अब इफ़ नो ड्यू डेट इज पेंडिंग, कोई ड्यू डेट पेंडिंग नहीं है तो ऑनर बिफोर 31 मार्च। ठीक, इसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, अगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट पेइंग और एसएससी एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहा है तो एसएससी विल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी एंड इंटरेस्ट इज लायबल एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 234C। यानी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट पेइंग एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा तो क्या होगा? 234B और C हो, 234BC हो जाएगा, 234BC नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और 234C में क्या है? नॉट डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में हो जाएगा क्या? एडवांस टैक्स इज नॉट पेड, और इसके बाद एडवांस टैक्स इज पेड बट लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स। इसका इसमें इंटरेस्ट के लिए लायबल होंगे, इंटरेस्ट कितना? 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द डेट असेसमेंट। इसके बाद 234C क्या हो गया? इफ डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट मेड देन इंटरेस्ट शैल बी एज अंडर 1% इंटरेस्ट, 1% लायबल पर मंथ पार्ट देयर ऑफ लायबल होगा। लेकिन क्वार्टर वन में 3%, क्वार्टर दो में 3%, क्वार्टर थ्री में 3%, क्वार्टर चार में 1%। इसके बाद चलते हैं 234C इज नॉट एप्लीकेबल, 234C इज नॉट एप्लीकेबल इफ द फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर इंस्टॉलमेंट इज नॉट बिलो 12% एंड 36%। इसके बाद इफ एसएससी डिस्क्लोज द इनकम अंडर सेक्शन 44AD और 44AD, इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द ड्यू डेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी मेड फॉर वन मंथ। फाइनेंस एक्ट 2018 में ये आया है। ठीक, चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और स्पीड में हम बता देते हैं कौन सा पर्सन एडवांस टैक्स के लिए लायबल होता है। इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 207, और एनी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और मोर, और पर्सन सोइंग प्रीजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA हु इज नॉट लायबल टू एडवांस टैक्स, whose estimated tax liability does not exceed 10,000। ठीक, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग PGBP। इसका बाद ड्यू डेट, इस एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या होना चाहिए? सेक्शन 211 में लिखा हुआ है। ठीक, सोइंग प्रीजम्पटिव इनकम 44AD और 44ADA। इसके बाद नॉट सोइंग प्रीजम्पटिव इनकम, नॉट सोइंग, इसका इंस्टॉलमेंट चलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट चलता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15 जून में 15%, 15 सितंबर में 45%, 15 दिसंबर में 75%, 15 मार्च में 100%। इसके बाद जिसका जो प्रीजम्पटिव इनकम शो कर रहा है ना 44AD और 44AD के, तो 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 15, इसका ड्यू डेट क्या होगा? 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम इज ऑल्सो काउंटिंग वाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। If on the due date of payment it is holiday or bank is closed, pay next working day, advance tax pay कर देंगे next working day। How to compute estimated tax liability कैसे calculate करते हैं? इसका section है 209।
209 ये याद रखिएगा 209 टैक्स लाइबिलिटी जितना होगा वो इसमें से रट मत माइनस कर देंगे आर से रिलीफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़े हैं हम रिलीफ ठीक इसके बाद 90 जो फाइनल में पढ़ना है DTA इसके बाद ए से TDA TCS MAT MP सब फाइनल में पढ़ना है इसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा ये माइनस कर देने पर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा इसके बाद एडवांस टैक्स हम लोग सभी हेड में तो कैलकुलेट करते ही हैं क्या हम एडवांस टैक्स कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे जी हाँ करेंगे एडवांस टैक्स कैपिटल गेन और कैपिटल इनकम और कैजुअल इनकम में भी करेंगे एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम बट दिस इनकम आर नॉट सर्टेन ये इनकम सर्टेन नहीं होता मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर्टेन नहीं होता है ठीक और मिल गया तो एडवांस टैक्स हेंस एडवांस टैक्स इज पेड ऑन नेक्स्ट ड्यू डेट जिस ड्यू डेट में मिला उस ड्यू डेट में नहीं नेक्स्ट ड्यू डेट में व्हेन दिस इनकम अराइज हो रहा है जिनका हमको मिल रहा है इनकम उस इंस्टॉलमेंट में हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे इफ नो ड्यू डेट इज पेंडिंग और कोई ड्यू डेट पेंडिंग नहीं है तो ऑन और बिफोर 31 मार्च इसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट पेइंग एडवांस टैक्स अगर कॉन्सिक्वेंस की है एडवांस टैक्स पे करने में तो क्या SSC को डिफॉल्ट हो जाए SSC को एड्स हो जाएगा तो क्या होगा दो बीमारी हो जाएगा 234C हो जाएगा 234C हो जाएगा 234C में हो जाएगा नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234B में नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234C में हो जाएगा नॉट डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234B में नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड और एडवांस टैक्स इज पेड बट लेस देन 90% ऑफ SS टैक्स द इंटरेस्ट 1% पर मंथ पार्ट देयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल टू द डेट असेसमेंट इफ 234C में नॉन डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इफ डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट मेड देन इंटरेस्ट शैल बी एज अंडर 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ इसके बाद क्वार्टर चलेगा क्वार्टर 1 में 3% क्वार्टर 2 में 3% क्वार्टर 3 में 3% क्वार्टर 4 में 1% याद रखिएगा क्वार्टर 4 में 1% इसके बाद 234 इज नॉट एप्लीकेबल इफ द फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट बिलो 12% एंड 36% इफ एडवांस टैक्स डिस्क्लोज द इनकम अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द डेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी मेड फॉर 1 month जिसका फाइनेंस एक्ट 2018 में ये आया है जी तो हाँ दोस्तों ये चैप्टर एडवांस एक्ट बहुत ही हाँ दोस्तों तो एडवांस टैक्स ये ख़त्म हो गया इतना ही छोटा चैप्टर था और ये वीडियो कैसा लगा आपको आप लाइक करके हमको बता दीजिए और शेयर करना ना भूलें ठीक दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा